वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ वी स्टार्ट STA 301 स्टैटिस्टिकल एंड द प्रोबेबिलिटी। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ कम टू आवर लेक्चर नंबर 23, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द डिस्क्रिटिव रैंडम वेरिएबल। फिर नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन, मीन वेरियंस एंड मोमेंट ऑफ आर डिस्क्रिटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सेप्टेड वैल्यू। फर्स्ट वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो रैंडम वेरिएबल एक्स को होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वल होता है पी एक्स लेस देन एक्स। यानी x जो कि रैंडम वेरिएबल है वो हमारा लेस देन या इक्वल होगा x के, और इसे हम कॉलमेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ द हेड्स व्हेन 3 बैलेंस कॉइन आर टॉस्ड। यानी हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स जब हम 3 कॉइन को टॉस करें। कॉइन में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, हेड और टेल। अब हम 2 की पावर ले लेते हैं 3, 2^3 इज इक्वल टू 8। हमारे पास 8 आ जाती है आउटकम। ये देखें s इज इक्वल टू ये 3, 8 हमारे पास आउटकम्स आ गई हैं। अब हम x की जगह, x भी द रैंडम वेरिएबल दैट डिनोट द नंबर ऑफ द हेड, जो हेड के नंबर को डिनोट करते हैं, अब हम x की जगह 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, यानी हमने 8 आउटकम में से वो आउटकम लेनी है जिसमें हेड बिल्कुल ना हो। इसमें से सिर्फ एक आउटकम ऐसी है जिसमें हेड नहीं है। ये देखें 1/8, इसे डिवाइड कर देंगे हम प्रॉपर प्रोबेबिलिटी पे। फिर नेक्स्ट क्या करना है, हमने x इज इक्वल टू 1 यानी जिसमें एक हेड हो। अब ऐसे 3 आउटकम्स हैं, वो हमने राइट किए 3/8। फिर नेक्स्ट हमने कहा x इज इक्वल टू 2 यानी जिसमें हेड 2 टाइम्स आ रहा हो, वो भी हमारे पास 3 आउटकम बन रही है, उसे हम राइट करेंगे 3/8। फिर नेक्स्ट हमारे पास p x इज इक्वल टू 3 यानी जिसमें 3 टाइम हेड हो, 1 है वो 1/8। एक्सप्रेस द अबव इंफॉर्मेशन इन द टेबुलर फॉर्म, वी ऑब्टेन द डिजायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x एज फॉलो। अब हम इसे टेबल के फॉर्म में राइट करते हैं, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, 3/8, 3/8 और 1/8। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 1 की इक्वल आ जाएगी। द लाइन चार्ट ऑफ द अबव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलो। x एक्सिस पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल है और y एक्सिस पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट हमने 1/8 फाइंड किया था, फिर सेकेंड 3/8, 3/8 और थर्ड पे 1/8। नाउ वी फाइंड द कॉलमेटिव प्रोबेबिलिटी। अब हम कॉलमेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 1/8, 1/8 ये हम फर्स्ट में राइट कर लिया। फिर सेकंड है हमारे पास 3/8। अब हमने इस 1/8 में 3/8 को हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास 4/8 आ गया। फिर हमने अगेन 3/8 में ऐड करना है 4/8 को, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7/8। अब हमने 7/8 में 1/8 को ऐड किया इज इक्वल टू 1। हैंस द डिज़ायर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, अगर x लेस देन हो हमारा 0 से तो इज इक्वल टू 0, अगर x लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल हो 0 से 1/8, अगर x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल हो 1 से तो 4/8, अगर x लेस देन हो 3 से और ग्रेटर देन इक्वल हो 2 से तो 7/8, अगर x ग्रेटर देन इक्वल हो 1 से तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल हो 3 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट देखें, इन्होंने कॉलमेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड किया। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ हेड है 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, जबकि हमने जो नंबर ऑफ हेड्स मालूम किए थे वो 0, 1, 2, 3 थे। यहाँ पे हमारे पास 0.2, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। 0.4 भी हमने फाइंड नहीं किया था, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0। 0.6 की प्रोबेबिलिटी 0, 0.8 की प्रोबेबिलिटी भी 0, जबकि 1 हमने जो फाइंड किया था वो 3/8। अब हमने इसकी कॉलमेटिव प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले 1/8, 1/8 प्लस 0, 1/8, 1/8 फिर अगेन 0, 1/8। इसी तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास 1/8 प्लस 3/8 तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 4/8 के। नेक्स्ट देखें, इन्होंने क्या किया, हमारे पास पी ऑफ एक्स लेस देन एक्स हो, यानी अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो पी ऑफ एक्स 0 पे हमारे पास था 1/8,
फिर उन्होंने सेकंड कंडीशन यूज़ की कि एक्स लेस हो टू से। एक्स लेस कब होता है टू से? अगर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। अब यही यहाँ पे ये कंडीशन है कि टू से लेस हो, इसलिए हम यहाँ पे टू राइट नहीं करेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमारा था वन बाय एट, एक्स इज इक्वल टू वन थ्री बाय एट, इन दोनों को ऐड किया फोर बाय एट। फिर नेक्स्ट कंडीशन देखें कि एक्स लेस होना चाहिए थ्री से, तो हमारे पास तीन कंडीशन आएंगे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू वन और पी एक्स इज इक्वल टू टू। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वन बाय एट, थ्री बाय एट थ्री बाय एट, तो ये हमारे पास हो गया सेवन बाय एट। और लास्ट कंडीशन थी कि एक्स ग्रेटर हो थ्री से, तो हम इसमें थ्री एक्स इज इक्वल टू थ्री भी ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें वन ओवर एट, थ्री ओवर एट, थ्री ओवर एट और वन ओवर एट में जब हम इन्हें सबको ऐड करेंगे एट ओवर एट, ये तो ये इक्वल आ जाएगा हमारा वन के। तो हम इसकी डायग्राम देखते हैं, ये देखें आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये स्टेयर्स में सबसे पहले हमारे पास सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर बिग, फिर बिग, फिर इस तरह से ये हमने स्टेयर्स में बन रहे, यानी एक सीढ़ी की तरह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल, आ लार्ज स्टोर प्लेस एट 15 क्लॉक रेडियस इन द क्लीनर्स सेल्स, यानी हमारे पास एक शॉप है उस पर हमारे पास 15 क्लॉक्स हैं और जिसमें से हमारे पास जो 5 क्लॉक हैं वो डिफेक्टिव हैं, यानी वो ठीक नहीं है, और कस्टमर जो आना है वो हमारे पास 3 क्लॉक सेलेक्ट करेगा। यानी हम किसी शॉप पे जाते हैं उस पर 15 क्लॉक पड़ी हुई हैं, उसमें से 5 तो हैं वो डिफेक्टिव हैं और उसमें से जो कस्टमर ने चेक करनी है 15 में से वो 3 क्लॉक हैं। और हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, क्या एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द डिफेक्टिव रेडियस इन द सैम्पल। अब सबसे पहले हमारे पास टाइप ऑफ क्लॉक्स आ गए, यानी कितनी गुड हैं, कितनी डिफेक्टिव हैं और टोटल कितनी है। गुड कितनी है हमारे पास 10, डिफेक्टिव कितनी है 5, यानी 10 और 5 इज इक्वल टू 15। द टोटल नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 3 रेडियो आउट ऑफ 15, यानी उसने कस्टमर ने कितनी सेलेक्ट करनी है, 15 में से 3 सेलेक्ट करनी है। आल्सो टोटल नंबर ऑफ वे सेलेक्टिंग 3 गुड, अगर वो 3 गुड सेलेक्ट करता है और जो हमारे पास ख़राब है वो 0 सेलेक्ट करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। हमारे पास यानी 3 उसने गुड सेलेक्ट की, 5 0 यानी जो नुकसान वाली थी ख़राब थी वो 0 सेलेक्ट की, और ये टोटल पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.60। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट देखें कि अब उन्होंने सेलेक्ट किए हैं 2 गुड और एक डिफेक्टिव। अब यहाँ पे हम 10 सी 2 और 5 सी 1 करेंगे और इसे फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.49। फिर उसने नेक्स्ट क्या किया है, 1 गुड में से लिए और 2 डिफेक्टिव में से लिए। फिर नेक्स्ट उन्होंने 0 गुड में से लिए और 3 डिफेक्टिव में से लिया, तो ये हमारे पास थर्ड पे आ जाएगा 0.02। जब हम इन सब को ऐड करेंगे इन वैल्यूज़ को तो ये इक्वल आ जाएंगे हमारे पास 0.99, जो कि इक्वल होता है 1 के। द लाइन चार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़, इस डिस्ट्रीब्यूशन का हम लाइन चार्ट देखते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम रैंडम वेरिएबल एक्स लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्रोबेबिलिटी ली है, जो कि अभी हमने उसे ऊपर वाली टेबल में फाइंड किया है। 0 पे हमारी ये आ गया 0.26, फिर हमारे पास आएगा 0.49, फिर 0.22, फिर 0.02। फिर देखें हमने क्या फाइंड किया, इसकी कॉलमेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। कॉलमेटिव कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमारे पास 0.26 आएगा, 0.26 को हमने यहाँ पे राइट किया, फिर हमारे पास 0.49, 0.49 में हम 0.26 को ऐड करेंगे तो 0.75, फिर 0.75 में हम 0.22 को ऐड करेंगे 0.97, फिर 0.97 में हमने ऐड करना है 0.02, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.99 के। फिर हम ये हमारे पास है ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स इज़ आल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ एक्स, यानी इसे हम मीन भी बोलते हैं। ई ऑफ एक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन एक्स आई एफ ऑफ एक्स, और सिंपल हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वन ओवर एन समेशन ऑफ एक्स आई से। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इफ इट इज़ रेन, अगर बारिश होती है, अम्ब्रेला सेलमैन कैन अर्न 30 पर डे, तो अम्ब्रेला सेलमैन $3 पर डे कमाते हैं।
अगर बारिश ना हो तो वो कितने डॉलर कमाएगा, कितने डॉलर का उसे नुकसान होगा, 6 डॉलर का। व्हाट इज़ द एक्सेप्टेड ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3, जो क्या उसकी एक्सेप्टेशन होगी अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हो 0.3। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में हमने इवेंट लिया, फर्स्ट इवेंट है रेन और सेकंड है नो रेन। सेकंड में हमने अमाउंट ऑफ इरन यानी उसने कितनी अर्निंग की, रेन होती है तो 30 डॉलर, अगर रेन नहीं होती तो उसे 60 डॉलर का लॉस होता है। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.3 है, 1 में से हमने 0.3 को लेस किया तो ये हमारे पास आ गई 0.7। इन ऑर्डर टू कम्प्यूट द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अब हम एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की। कैसे फाइंड करते हैं, एक्स और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 0.3 -6 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये आ जाएगा -0.42। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4.8। तो इसकी एक्सेप्टेड वैल्यू है 4.8 पर डॉलर। द स्वीकनेस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन मेजर्ड, स्वीकनेस को हम कैसे फाइंड करते हैं, β1 μ3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय μ2 की पावर 3 से, और कॉस्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं β2 से μ4 डिवाइडेड बाय μ2 की पावर 2। प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन, मैथमेटिकल एक्सेप्टेशन की टू प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ C इज अ कॉन्स्टेंट, अगर C कॉन्स्टेंट है देन, तो एक्सेप्टेड वैल्यू जो C की होगी वो C के ही इक्वल होगी। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट इट्सेल्फ, यानी वो कॉन्स्टेंट खुद ही होगा। फिर सेकेंड क्या, इफ X इज डिस्क्रिप्टिव रैंडम वेरिएबल इफ A एंड B आर कॉन्स्टेंट, अगर X डिस्क्रिप्टिव रैंडम वेरिएबल है, इफ A एंड B आर कॉन्स्टेंट, और A और B हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेप्टेड वैल्यू ए एक्स प्लस बी की क्या होगी, ए को हम कॉमन निकालेंगे, ई ऑफ एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल देखें, एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड एंड अ पेयर वेयर 3 पेयर कॉइन आर टॉस, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज, एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 8, 3 बाय 8, 3 बाय 8, 1 बाय 8, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 1। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑप्टेन एज फॉलो, कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके, 0 से 1 बाय 8 इज इक्वल टू 0, 1 से 3 बाय 8, 3 बाय 8, 2 से 3 बाय 8 को करेंगे 6 बाय 8, 3 से 1 बाय 8 को करेंगे 3 बाय 8। जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे ये 1.5 आ जाएगी हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू। सपोज आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल 2x+3, अगर हमने 2x+3 की एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम x 2x+3, अब इसमें हम x की जगह पे पहले 0 पुट किया, 2 0 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5, 2 2 ज़ा 4 4 प्लस 3 7, 2 2 3 ज़ा 6 6 प्लस 3 9। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी वही है जो हमारे पास पहले कैलकुलेटेड है। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 को 1 बाय 8 से, और 3 5 ज़ा 15 बाय 8, 7 3 ज़ा 21 बाय 8, 9 1 ज़ा 9 बाय 8, इन सबको ऐड किया तो ये हमारे इक्वल आया 6 के। एक्सेप्टेड वैल्यू 2x+6 इज इक्वल टू 6, इट शुड बी नोटेड दैट, अगर ये नोट किया जाए हमारे पास, हम कैसे फाइंड करते थे उसकी सेकेंड प्रोबेबिलिटी e 2x+3, 2 को हम कॉमन लिया, e ऑफ x की जो हमने फर्स्ट वैल्यू फाइंड की थी 1.5 प्लस 3, अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें, इसे मल्टीप्लाई करें 1.5 से और 3 को ऐड करें, तो हमारे पास सेम 6 वैल्यू ही बनती है, यानी ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।